मार्केट में वैसे आपको कई तरह की जूस मशीन्स देखने को मिलती हैं, कुछ महंगी होती हैं और कुछ सस्ती। सस्ती जूस मशीन्स आपको मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट करके नहीं दे पाती, और तो और उन मशीन्स को क्लीन करने में भी हमारा काफ़ी समय बर्बाद होता है, यानी कि हमें मैनुअल एफर्ट्स ज़्यादा डालने की ज़रूरत पड़ती है। और रही बात महंगी जूस मशीन्स की, तो वो महंगी होने के कारण हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाता, हर कोई उसे परचेस नहीं कर पाता। लेकिन कैसा हो अगर मैं आपको ऐसी जूस मशीन्स बताऊं जो सस्ती भी हो, मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट करके भी देती हो, क्लीन करना भी इजी हो और मैनुअल एफर्ट्स भी कम लगते हों। तो आइए जल्दी से चेक करते हैं उन जूस मशीन्स को। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर जूस मशीन देखने को मिल रही है वो हमारी लिस्ट की सबसे सस्ती जूस मशीन है। इस जूस मशीन को बनाने में एल्यूमिनियम मटेरियल और स्टेनलेस स्टील मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, और इन दोनों भी मटेरियल्स के चलते इसकी डिज़ाइन काफ़ी स्टर्डी है, और ये दोनों भी मटेरियल्स इस जूस मशीन की लाइफ को काफ़ी इंक्रीज करते हैं और इसकी बिल्ड क्वालिटी को भी अच्छी बनाए रखते हैं। इस मशीन को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है सिट्रस फ्रूट्स का जूस निकालने के लिए, यानी कि ऐसे फ्रूट्स का जूस निकालने के लिए जो थोड़े खट्टे होते हैं और थोड़े मीठे होते हैं, जैसे कि लेमन, ऑरेंज और मौसम्बी। इस जूस मशीन का इस्तेमाल करके आप ऐसे फलों का भी जूस निकाल सकते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता हो, और जिन फलों का जूस निकालने में आपको ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती हो, जैसे कि वाटरमेलन, अंगूर आदि। लेकिन इस जूस मशीन का इस्तेमाल करके आप पाइनएप्पल, एप्पल या फिर अनार, ऐसे फलों का आप जूस नहीं निकाल सकते, जो कि इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक है। इसके अलावा इस जूस मशीन में अगर आपको जूस निकालना है तो फिर आपको फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना पड़ेगा, जो कि इसका एक छोटा सा एक और ड्रॉबैक है। लेकिन इस जूस मशीन को यूज़ करना और इसे क्लीन करना काफ़ी इजी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये काफ़ी अफोर्डेबल है। ये आपको सिर्फ 700 रुपए के आसपास मिलता है। अगर आपका प्राइस बजट काफ़ी लो है और अगर आप अपने लिए एक सस्ती जूस मशीन परचेस करना चाहते हैं तो आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। इस जूस मशीन को कैरी करना भी काफ़ी ईजी है, आप इसे कहीं पर भी ईजीली ले जा सकते हैं। सो अब आइए हम बात करते हैं हमारी अगली जूस मशीन के बारे में। दोस्तों जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रही है वो हमारी इस वीडियो की दूसरी जूस मशीन है। दोस्तों इस जूस मशीन को भी बनाने में एल्यूमिनियम मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, जो इस जूस मशीन के डिज़ाइन को काफ़ी स्टर्डी बनाता है और इसकी लाइफ को भी काफ़ी इनक्रीज करता है। अगर हम बात करें कि इस जूस मशीन का इस्तेमाल करके आप किन किन फलों का जूस निकाल सकते हैं, तो बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस जूस मशीन का इस्तेमाल करके आप मौसम्बी, ऑरेंज, वाटरमेलन, पाइनएप्पल, पोमीग्रेनेट यानी कि अनार, एप्पल, इन सभी फलों का आप जूस निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मशीन में जूस निकालने के लिए आपको फलों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन उतनी भी एक्सपेंसिव नहीं है कि आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जूस मशीन आपको 1700 रुपए के आसपास मिलती है। अगर आप अपना प्राइस बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं तो मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि आप इसी जूस मशीन के साथ जाएं। अगर आप इस पर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करेंगे। इस जूस मशीन को यूज़ करना और क्लीन करना काफ़ी ईजी है। अगर हम बात करें वारंटी की, तो इस जूस मशीन पर कंपनी आपको लाइफ टाइम वारंटी प्रोवाइड करती है ऑन एनी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, और इसकी वारंटी क्लेम करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इन दोनों भी जूस मशीन्स की बेस्ट बाइंग लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सीधा उन लिंक्स पर जाकर इनमें से किसी भी जूस मशीन को परचेस कर सकते हैं। सो इन जूस मशीन्स में से आपको कौन सी जूस मशीन सबसे ज़्यादा पसंद आई, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।